हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूं। आपको टाइटल देके आज का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। यस, मेरे पास ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम, आप हमें चेहरे के काले दाग धब्बे खत्म करने के लिए कोई अच्छा सा घरेलू नुस्खा बता दीजिए, क्या होता है। अभी बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही है, धूप बहुत हो रही है, कितना भी चीजों को पोस्टपोन करें बाहर तो हमें जाना ही पड़ता है, जिस कारण से हमारे चेहरे पे टैनिंग हो जाती है। टैनिंग की वजह से क्या होता है, हमारे चेहरे पे काले काले दाग दिखने लगते हैं, धब्बे दिखने लगते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, चेहरे के काले दाग धब्बे इस नुस्खे से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा बहुत ब्राइट बनेगा, चमकदार बनेगा, रेडियंस बनेगा और आपके स्किन के दाग धब्बे सारे निकल जाएंगे। आपको दो स्टेप वाली रेमेडी बताऊंगी, जो दूसरा स्टेप है ना, पहले स्टेप से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो रेमेडी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ बिना देर किए कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है। आप ये कुछ दिन डेली कर ले, हफ्ते भर में आपका चेहरा चमकने ना लगे ना, आपकी रंगत ना बदल जाए, तो मुझे कहना बनाना बहुत आसान है, लगाना बहुत आसान है, आप इसको बहुत ही इजीली कर पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको लेना है कोई खाली बाउल और आपको एक चम्मच चाहिएगा। इसके बाद से हमको चाहिएगा शहद, और हाँ, मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा रेडियंस होगी, अगर आपकी स्किन पे चमकनी है ना, जैसे आप देख रहे हो मेरे फेस पे हल्की हल्की लाइट सी है, ऐसे हर किसी के चेहरे पे हल्की हल्की चमक होनी चाहिए। नहीं है तो समझ लीजिए आपकी स्किन डल होने लगी है, खराब होने लगी है, आपकी स्किन को अच्छे से घरेलू ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, आपको बताती हूँ, आपको सबसे पहले एक चम्मच लेना है शहद। शहद आपके पास जो भी है आप वो ले लें, मार्केट वाला है, घर वाला है, घर वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आसपास आपको घर का शहद कहीं मिल जाए तो। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया है शहद। अब आपको इसमें कुछ बूंदे डालनी है नींबू की, यानी कि लेमन की। आपको जो आधा नींबू होता है ना, उसको भी, उसका भी आधा रस, आधे नींबू का आधा रस के बराबर आपको इसमें नींबू रस डालना है। और अभी हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये हमारा बहुत 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 ही अच्छी, हमारे चेहरे की टैनिंग को, चेहरे के काले दाग धब्बों को खत्म करने वाली बहुत अच्छी दवाई है। साथ साथ हमारे फेस को बहुत ही रेडियंस बनाएगा, चेहरे पे ग्लो ला देगा। आपको डेली करना है, करना क्या है, पहला स्टेप है ये, याद रखिए। आपने इस तरह से पूरे चेहरे पे इसको लगा के और हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है, ज्यादा देर नहीं मसाज करना है आपने। आप इससे मसाज करेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, ठीक है। आउच, बिंदी नहीं हटाया। आपको अच्छे से कर लेना है इसे मसाज, और इस तरह से मसाज देने के बाद हमको इसको 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ना है, और 10 मिनट बाद हमें इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है, साबुन फेस वॉश से नहीं धोना है, याद रखिए नॉर्मल पानी से आप धोएंगे। इस तरह से बस हमने मसाज कर लेना है, हमारा मसाज हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट फेस पे रखूंगी, फिर इसको नॉर्मल पानी से धो लूंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज बताती हूँ क्या आपको लगाना है, ये गर्मी में लगाना बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको अपने चेहरे से प्यार है तो। अभी इसको 10 मिनट के बाद वॉश करके दूसरी रेमेडी बताती हूँ। तो चेहरा मैंने नॉर्मल पानी से धो लिया है, इस तरह से हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आप जब भी बाहर जाएंगे, कभी भी आप अपने घर से बाहर जाए, आपको यूज करना है सनस्क्रीन। अब आपको मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी सनस्क्रीन आपके पास है, आपके बजट में है, सस्ता हो महंगा हो, लेकिन सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। बाहर जा रहे हैं तो 55 प्लस SPF होना चाहिए, घर में है तो 35 SPF होना चाहिए, ये आप याद रखें। बाहर जाने से पहले जरूर लगाना, ताकि आपको धूप से टैनिंग ना हो, काले दाग धब्बे ना हो। आप ये कर ले, कभी भी बाहर जाए सनस्क्रीन लगाए, आपके चेहरे पे लाइफ में कभी काले दाग धब्बे नहीं होंगे, चेहरा काला नहीं पड़ेगा। क्या होता है, आप देखते हैं ना, किसी किसी को अजीब अजीब काले काले तिल से हो जाते हैं चेहरे पे, किसी को यहां से यूं ब्लैक सा निशान हो जाता है। आधे लोग समझते हैं झाइया हो गए, पिगमेंटेशन हो गए, नहीं जी, झाइया अलग होता है, वो टैनिंग होती है, जैसे यहाँ इस एरिया पे हो जाता है, नोज पे हो जाता है, फोरहेड पे वो टैनिंग होता है। उसके लिए सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें धूप में जाने से पहले, बस ये दो स्टेप फॉलो कर ले। मैं अभी क्यों नहीं लगा रही हूँ, मैं अभी इसलिए नहीं लगा रही हूँ, आप देख सकते हो शाम के बजे हैं 7, मेरे को बाहर कभी कहीं अभी जाना नहीं है, तो सनस्क्रीन लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेप आपको फॉलो कर लेने हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।